मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट, वेलकम टू पीवीएस के आईसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको प्लेइंग विथ नंबर, नंबर के साथ खेलना सिखाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ नेचुरल नंबर क्या होती है। नेचुरल नंबर क्या होती है, उसके बाद फिर बताऊंगा होल नंबर क्या होती है। नेचुरल नंबर क्या होती है, ये नंबर वन से स्टार्ट होती है हमेशा, और ये चीज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये चीजें आपको लाइफ में हमेशा काम आएगी, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हो, चाहे वो फाइव का बच्चा हो, चाहे सिक्स सेवन एट नाइन टेंथ अलेवन ट्वेल्थ, एनी वन। नेचुरल नंबर क्या होती है, वन से स्टार्ट होती है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड वन इनफाइनाइट तक। आप इनफाइनाइट का मतलब अनंत तक, यहाँ तक आप ले जा सकते हो, ठीक है। होल नंबर क्या होती है, ये जीरो से स्टार्ट होती है, वन टू थ्री फोर फाइव एंड वन, ये इनफाइनाइट होती है। नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ यही दो चीजें अंतर, इसमें डिफरेंस क्या है, बस नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होती है और होल नंबर जीरो से स्टार्ट होती है। इतनी चीजें आपको जानकारी रखनी है, ये चीजें आप जान लो। अब आपको बताऊंगा इवन नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर। कितनी भी बड़ी संख्या क्यों, कितनी भी बड़ी नंबर, बड़ी डिजिट, कितनी भी बड़ी डिजिट क्यों ना हो, उसको हम तुरंत पहचान लेंगे कि ये इवन नंबर है या ऑड नंबर। कैसे पहचानेंगे इवन नंबर के, सबसे पहले मैं इवन नंबर का आपको बताता हूँ। किसी भी डिजिट के लास्ट अंक को आपको देखना है, कौन से अंक को देखना है, लास्ट नंबर को देखना है। लास्ट नंबर में क्या देखना है, अगर जीरो है, टू है, फोर है, सिक्स है और एट, ये पांच नंबर है, ये पांच नंबर को आपको देखना है। अगर ये पांच नंबर आपने देख लिया, किसी भी कितनी भी बड़ी डिजिट हो या छोटी डिजिट हो, इससे मतलब नहीं है, बस आपको उसका कौन सा नंबर देखना है, कौन सी डिजिट देखना है, लास्ट वाली डिजिट देखना है, लास्ट अंक देखना है कि अगर जीरो है तो वो इवन नंबर है, टू है तो इवन नंबर है, फोर है तो इवन नंबर है, सिक्स है तो इवन नंबर है, एट है तो इवन नंबर है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे टू फोर सिक्स सेवन एट। अब मैंने देखा इसमें क्या गई, लास्ट में क्या देखा, लास्ट मैंने बताया था कि लास्ट डिजिट देखना चाहिए, लास्ट में क्या है, एट है, एट है, तो मतलब ये पूरी नंबर मेरी क्या है, इवन नंबर। अब आते हैं ऑड नंबर पे, ऑड नंबर पे क्या होता है, इसको मैं देखूंगा, इसके भी लास्ट डिजिट का ही देखेंगे, लास्ट डिजिट में क्या देखेंगे, इसके लास्ट में क्या आता है, एक आता है, थ्री आता है, फाइव सेवन नाइन। ये नंबर अगर लास्ट में है तो आपको कौन सी नंबर जाएगी, ऑड नंबर जाएगी। एग्जांपल आपका टू फोर सिक्स सेवन वन, इसमें आपको दिखाई दिया भैया कि वन है, वन है तो मतलब ये पूरी नंबर जो आपको लिखी है, आप कह सकते हो कि ये क्या है, ये मेरी ऑड नंबर है। कितनी चीजें क्लियर हो गई, क्लियर हुई, आप सब मुझे बता दीजिए क्लियर हो गई ना सबको। चलिए आगे चलते, अब मैं आपको बताऊंगा, इसको इरेज कर देते हैं, अब आपको मैं बताऊंगा डिविजिबल। आप बिना डिवाइड किए आप कैसे नंबर को पता कर सकते हैं कि ये तीन से डिवाइड होगा या नहीं होगा, टू से डिवाइड होगा या नहीं होगा, फोर से होगा या नहीं होगा, फाइव से होगा या नहीं होगा, सिक्स सेवन एट नाइन टेन एंड अलेवन। आप बिना डिवाइड किए आप तुरंत पता करो कैसे करना, ये मैं आपको सिखाऊंगा। चलिए पहले आते हैं डिविजिबल बाई टू, पहले टू कर, जैसे इवन नंबर आप पता करते हो, सेम नंबर आप डिविजिबल बाई टू का पता कर लेना, जिस किसी भी नंबर के लास्ट का डिजिट आपको जीरो टू फोर सिक्स और एट अगर है तो वो टू की डिविजिबल है, बिना डिवाइड किए हुए आपकी।
अब डिविजिबल बाय 3 देखना, डिविजिबल बाय 3 का कैसे पता करेंगे? कोई भी मेरे नंबर, मेरे पास नंबर है, जैसे कि मेरे पास नंबर है 93। अब भैया मुझे 93 की टेबल तो आती नहीं, सॉरी 3 की टेबल तो मुझे आती नहीं, कि मैं 93 से डिवाइड करके देखूं, 93 में डिवाइड करके देख लूं कि 93 मेरा 3 से डिविजिबल है या मुझे 3 के टेबल नहीं आता, सॉरी 93 तक टेबल नहीं पड़ता है। इंसान टेबल कितने तक पड़ता है? 10 तक ही पड़ता है, इससे ज़्यादा नहीं पड़ता। टेबल तो आप इनफाइनाइट तक बना सकते हैं, लेकिन आप टेबल पढ़ते कितना है, लर्न कितना करते हैं? सिर्फ 10 तक। किसी भी डिजिट की आप टेबल आप लर्न करेंगे तो सिर्फ 10 तक। तो मैं क्या करता हूँ, ये 93 लिखा हुआ है और नंबर लिख देता हूँ 642 लिखता हूँ, चलो और लिख दूँ, चलिए और लिखता हूँ 5364 5364। ये 3 नंबर मैंने लिख दिया। अब तीनों नंबर को मुझे पता करना है कि ये 3 से डिवाइड है कि नहीं। आप क्या करते हो, 93 को आप 3 से डिवाइड करते हो, डिवाइड करते हो, उसके बाद देखते हो कि ये डिविजिबल है कि नहीं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, मैं आपको कुछ सिखाऊँ। ये 93 है, जो नंबर आपको दे रखी है उन सारे नंबरों को जोड़ दीजिए, 9 और 3 की नौ कटता है। अब 12 3 से डिविजिबल चेक करना है, तो 12 अगर 3 से डिवाइड है, मतलब कहने का मेरा ये है कि जो नंबर आपका दिया होगा उन सारे नंबरों का ऐड अगर 3 से की टेबल में आता है, 3 की डिविजिबल है, तो दी हुई नंबर मेरा 3 से डिवाइड है। जैसे कि 9 और 3 को मैंने जोड़ा तो क्या आया 12 को मैंने 3 से 12 बाई 3 की टेबल में आती है कि नहीं आती? बिल्कुल आती है। तो 3 के टेबल में आती है, पर मतलब ये 93 नंबर जो है 3 की डिविजिबल है। इसी तरह से 642 को देखते हैं, 642 को देखते हैं, तो इन सभी नंबरों को हम ऐड करते हैं 6 4 10 10 और 12, ये भी 12 आ गया भाई, 3 की डिविजिबल है, मतलब ये भी 3 की डिविजिबल है। अगला नंबर क्या है, 5 3 5 + 3 + 6 + 4 जोड़ा और 3 से डिवाइड किया, 5 3 8 8 और 6 14 14 और 4 18, कितना आ गया भैया 18। 18 की टेबल में 3 की टेबल में 18 आता है ना? बिल्कुल आता है, मतलब ये भी नंबर हमारे 3 से डिविजिबल है। और एक डिजिट आपको देते हैं 6 4 2 3, अब देखिए ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे? 6 4 10 10 2 1 12 2 14 14 14 क्या 3 की टेबल डिविजिबल है? नहीं है, तो इसका मतलब ये नंबर 3 की डिविजिबल नहीं है। ठीक, इतनी चीजें समझ में आई। आप वीडियो को रिपीट करके जितनी बार समझ में आए उतनी बार 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 देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब मैं डिविजिबल बाई आपको 4 बताऊंगा, क्या बताऊंगा? 4 से कैसे चेक करेंगे? कोई भी नंबर मेरे पास है 4 5 3 2 8 6 1 6, ये दो नंबर मैंने लिख दिया, ठीक है ना, ये दो नंबर मैंने लिख दिया, इसे मुझे पता करना है कि ये 4 की डिविजिबल है या नहीं। कैसे पता? ये मैं ये चीज मैं आपको सिखाऊंगा। आप डिवाइड करना नहीं है, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है आपको। आपको क्या करना है, नंबर के लास्ट दो डिजिट आप देखिए, लास्ट की दो अंक देखिए, कौन से अंक देखना है? लास्ट का दो अंक देखना है। लास्ट का दो अंक क्या है? 32। तो क्या 32 4 की टेबल में आती है? बिल्कुल आती है ना, 4 8 4 32। तो अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरी नंबर 4 की डिविजिबल है। अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 की टेबल में नहीं है तो ये नंबर जो है तो डिविजिबल 4 की नहीं होगी। इसका भी देखो, लास्ट का 2 देखो 16 16, 4 की टेबल में आती है ना? बिल्कुल आती है, तो मतलब ये भी है, ये भी है। अब
एक बड़ी सी नंबर आपको लिखते हैं 5, 6, 7, 8, 3, 2, 4, ये एक बड़ी सी नंबर गिनती है मैंने, इतनी बड़ी नंबर। आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करते हो 4 से, उसके बाद अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तब आप जान जाते हो कि ये डिविजिबल है। बट आपको ऐसे नहीं करना, आपको करना कैसे है, आपको सिर्फ ये देखना है कि लास्ट का 2 0 24 है तो 24 4 के टेबल में आती है ना, बिल्कुल आती है, तो मतलब ये पूरी नंबर 4 के डिविजिबल है। आप ऐसे चेक कर सकते हो, बिना डिवाइड किए आप पता कर सकते हो कि ये 4 से डिविजिबल है। अब आते हैं डिविजिबल बाई हाई, किसकी आते हैं, हाई फाइव की देखें। फाइव को पता करने के लिए क्या करते हैं, किसी भी नंबर की मैं चलो किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट अगर 0 या 5 है तो 5 से डिविजिबल होगी। कितनी चीज समझ में, कैसे किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट आप देखना है, कौन सी नंबर देखना है, लास्ट डिजिट को देखना है। लास्ट डिजिट क्या देखना है भैया, अगर 0 है या 5 है तो 5 से डिविजिबल होगी। एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, एग्जांपल जैसे एग्जांपल क्या है, जैसे 5 6 2 0, जिसके लास्ट डिजिट में भाई 0 आ गया ना, 5 के डिविजिबल है। अगर इसी को मैं 3 के डिविजिबल आप करके देखो, 3 के डिविजिबल करके देखो तो आप क्या करोगे भाई, सबको कर लोगे, हां 6 5, अरे 11 13 13 और 0 30 30 है, तो 6 3 से नहीं, 4 से देखते हैं, 4 का पूरी डिजिट देखते हैं, तो 4 का क्या है, 4 से भी है और 5 से। देखिए हमें 5 से अभी देखना है, 5 4 का तो मैंने बता दिया, 5 का देखना है तो 5 का लास्ट में 0 है तो मतलब ये 4 से है। इसी तरीके से करते हैं, अगर यहीं पे 5 होता, 5 होता तो भी 5 की डिविजिबल होती। अगर यहाँ पे 5 की जगह पे कुछ और होती, जैसे कि यहाँ पे 4 हो जाता तो नहीं होता, 3 हो जाता तो नहीं होता, 7 हो जाता तो नहीं होता, 8 होता तो नहीं होता, ठीक। अभी मैं आपको सिर्फ 5 का बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में आपको 6 7 8 9 10 और 11 कितनी चीजें देखें, ठीक है ना। इतनी चीजें उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको कुछ स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ, ठीक है, जिसको आपको लर्न नहीं करना है, बिना लर्न किए थोड़ा सा दिमाग लगाना है, याद करना है, याद करने की जरूरत भी नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आपका काम आसान हो जाएगा। कैसे, फर्स्ट डिजिट की इधर मैं लिखता हूँ स्मॉलेस्ट नंबर और इधर मैं लिखता हूँ ग्रेटेस्ट, ठीक है ना। इधर मैं लिखता हूँ स्मॉलेस्ट नंबर, इधर लिखता हूँ ग्रेटेस्ट नंबर। ये फर्स्ट डिजिट है, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट, 4 5 5 6, कैसे करना है। फर्स्ट डिजिट की अगर मैं पूछूँ कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या होती है तो आप कहते हो कि भाई क्या होता है। अगर मैं ग्रेटेस्ट नंबर पूछूं तो आप कहोगे 9 होता है, भाई एक अंक होना चाहिए, और सबसे बड़ी नंबर क्या होती है, 9 ही तो होती है, और सबसे छोटी नंबर क्या होती है, 1 होती है, 0 नहीं होता। सेकंड क्या जाते हैं, ये हो जाता है 10, दो अंक हो गए कि नहीं, तो 2 डिजिट हो गए कि नहीं, 1 और 0 डिजिट हो गए ना, और 2 जितनी डिजिट की सबसे बड़ी नंबर क्या होगी, ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगी, तो 2 अंक नहीं होना चाहिए।